आप लोग शॉप कर सकते हैं साइड में, सारे के सारे कबूतर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब खुल गया और एक एक करके सभी बाहर आ रहे हैं फ्रेंड्स, सारे कबूतर ये फ्रेंड्स। पानी ले आया हूँ खुला के, ये पानी है जो मैं कबूतरों को देने वाला हूँ। इसमें बस फ्रेंड्स आंबा हल्दी और घिसूँगा और उसके बाद ये पानी उड़ने वाला। ये दो कबूतर बार बार रुक रहा है, ये कल भी रुका था गुलाबी, पता नहीं इसको क्या हो गया, बल पे बल ले रहा है। फिर जाएगा थोड़ा बहुत तो ज़रूर जाएगा ये कबूतर, और मैं इन पे मेहनत आज भी भरपूर। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। फ्रेंड्स आज है 26 अगस्त और एक बार फिर से छत पे आ गया हूँ और आप लोगों को शौक कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले खोलूँगा फ्रेंड्स बड़े कबूतर, और जैसे कि मैंने डिसाइड किया था, अगर मुझे लगा इनके साथ पट्टे खोलने हैं तो आज पट्टे इन्हीं के साथ खोलूँगा, लेकिन अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कबूतर खुलने के बाद पता चलेगा। फ्रेंड्स जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था, मैं इसमें से एक मादिन जो है अमीरन नीचे बैठी हुई है फ्रेंड्स, इसको रोकना है मुझे। इसके अलावा तीन नर हैं फ्रेंड्स, एक मौका है नीचे जो बैठा हुआ है, इसके अलावा एक काला तीरा फ्रेंड्स ये जो बैठा हुआ है इसे रोकना है, और एक लालबंद बना हुआ तीरा है फ्रेंड्स ये बैठा हुआ है जो पुरानी आड़ी का है, एक कबूतर ये पुरानी आड़ी का है फ्रेंड्स। इन तीन चार कबूतरों को मुझे रोकना है। सबसे पहले फ्रेंड्स इन चार कबूतरों को रोक लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को खोल के इन कबूतरों का शौक करा। जो चार कबूतर मैंने आप लोगों को दिखाया वो चारों मैंने रोक लिया और जा रहा हूँ अब इन कबूतरों को खोलने और आप लोगों को शौक कराता हूँ इन कबूतरों का एक बार फिर से। आज है जैसे कि 26 अगस्त, आप लोगों को बताया था, आप लोग शौक कर सकते हैं साइड में, सारे के सारे कबूतर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब खुल गया और एक एक करके सभी बाहर आ रहे हैं फ्रेंड्स, सारे कबूतर ये लगभग बाहर अपने आप ही निकल आएंगे, और जो कल कमी कर रहे थे वो रोक लिए। आइए आप लोगों को शौक कराता हूँ इनका। फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं जाल में ये दो कबूतर बार बार रुक रहे हैं, ये कल भी रुका था गुलाबी, पता नहीं इसको क्या हो गया, समझ में नहीं आता, ये सबसे पहले निकलता था, आज इसे चेक करूँगा क्या दिक्कत है इसको। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज भी पुरवा चल रही है और मैं इनको कोशिश करूँगा आगे बढ़ाने की। कबूतर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है अभी भी, क्योंकि तगड़ा ही कबूतर इतने बल लेता है, कबूतर बल पे बल ले रहा है। फिर जाएगा थोड़ा बहुत तो ज़रूर जाएगा ये कबूतर, और मैं इन पे मेहनत आज भी भरपूर लेने वाला हूँ। ये जो बल है ना फ्रेंड्स अपोजिट दिशा में, यानी कि जिस साइड की हवा चल रही है उस साइड, इससे पता चलता है कबूतर चढ़ेगा जरूर हवा पे। कोशिश करी थी कबूतर ने एक बार और लौट के वापस आ गया। एक कबूतर अभी भी इसमें है जो कबूतरों को लौटा रहा है, हैदराबादी लग रहा है फ्रेंड्स, जबकि इसमें से 7 कबूतर उतर चुके हैं अभी तक, 4 आज उतारे, 2 पहले उतारे थे चोटीदार और एक पिलका हैदराबादी, इसके अलावा फ्रेंड्स एक कबूतर हैदराबादी और उतारा है, अभी भी एक कबूतर इसमें जो ऐप कर रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वो ऐप करना मौसम की वजह से भी हो सकता है। फ्रेंड्स ये जो बल ले रहे हैं ना, ये बल दर्शाता है कबूतर अभी
थोड़ा सा भारी है, इन्हें और मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि इन पे कोई ज़्यादा ऐसा खेल नहीं खेलूँगा जो आगे चल के इन्हें नुकसान दे। इनके हालात मुझे लग नहीं रहे कि आज ये हवा पकड़ेंगे, इन फिर भी कोशिश करता हूँ। दो कबूतर हैं फ्रेंड्स जो ऐप कर रहा है, पहले एक लग रहा था, एक और है। देख सकते हैं कबूतर मछली बन के चल तो दिया है आगे, हाँ जैसे ही कहा चल दिया है तुरंत लौट आए फ्रेंड्स। आज इनकी हद तोड़वानी है, क्योंकि इतना तो ये कल भी गए थे, तो आज इन्हें इससे आगे जाना चाहिए। फ्रेंड्स कोशिश कर रहा हूँ और कबूतर को जाना ज़रूर चाहिए। फ्रेंड्स तगड़ होने की वजह से पलट जा रहे हैं बार बार। आपकी बोलूंगा नहीं कहां तक जाए फ्रेंड्स, बोलने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा हाथ का बल लेके फिर से छत पे आ गए। फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे कट करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ ये कबूतर आगे चला जाए। फ्रेंड्स पहली हवा कबूतर को बिठाला है और जो पहली हवा उड़ाया है कबूतर को, 27 मिनट उड़ाया है आज मैंने। कबूतर गया नहीं आगे, बहुत आगे नहीं गया, टंकी के पास तक गया, इसके ये जो सामने टंकी है यहाँ तक गया और लौट आया, क्योंकि कबूतर अभी भी भारी है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स फिर से वही बात कहूँगा, मौसम नहीं है कबूतरबाजी का इस समय, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कबूतर बिना कुछ लगाए जाए। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आ रही है, अगर मैं इनको पट्ठों के साथ ले लूँगा तो जितना मैंने इन्हें चालू किया ये भी ठप हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये सोच रहा हूँ इन्हें पट्ठों के साथ नहीं लूँगा, इन्हें अलग ही खोलूँगा। इसमें से दो कबूतर फ्रेंड्स और उतारने पड़ेंगे मुझे, जैसे कि आपने देखा था वीडियो में भी मैंने चार उतारे हैं, दो और उतरेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद देखा जाएगा ये कबूतर क्या काम करते हैं। उतार के फ्रेंड्स उन्हें नीचे नहीं डालूंगा, अभी पट्ठों में डाल दूंगा। हो सकता है मौसम की वजह से वो ऐप कर रहे हों और जब सीज़न थोड़ा सा ठंडा होगा तो वो काम करने लगे। आ आ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कबूतरों से आज मैंने बहुत मेहनत ली है, कल के मुकाबले आज ज़्यादा ले ली, क्योंकि कल फिर मैं काम पर जाऊंगा तो उसी हिसाब से टाइम कम दे पाऊंगा। तो कल ये लगभग 2 घंटे टोटल खुले थे और आज फ्रेंड्स 7 बजे के खुले हुए हैं और टाइम हो रहा 8:02, 1 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स अगर आपको दिख रहा हो तो। 1 घंटे में इन्हें मैंने 27 मिनट तो एक ही हवा उड़ाया है खाली, और अब इनको सिर्फ तावे दूंगा फ्रेंड्स सारे कबूतरों को, और जितना दाना बचा हुआ है फ्रेंड्स ये जितना दाना है ये सब इन्हें तावे में दूंगा, और आज इनको एक पानी रखूंगा खोला के, क्योंकि अभी इनके अंदर भारीपन है और थोड़ी सी ऐट है। आप लोगों ने वीडियो में नोटिस किया होगा ये कबूतर आगे जाके सिर्फ सीधे हाथ को बल लेके लौट रहा है, उल्टे हाथ पे बल पलट नहीं रहा है कबूतर, तो इसका मतलब थोड़ी सी अड़ कर रहा है, कुंदा चढ़ा हुआ है इनका। तो फ्रेंड्स पानी बनाना पड़ेगा, खोला के पानी दूंगा फ्रेंड्स, और इसमें से अभी दो कबूतर और उतरेंगे, जैसे कि आपने सुबह देखा ही था मैंने कुछ कबूतर उतारे थे इसमें से, 4, 3 नर और 1 मादे, अभी इसमें से फ्रेंड्स 2 कबूतर और उतारने, उसके बाद कल से फिर इन पे
परेड करेंगे फिर से, और अभी खोलने जा रहा हूँ फ्रेंड्स पट्टे और आप लोगों को शो। फ्रेंड्स कबूतरों को बंद कर दिया है किरधान वालों को, और बड़े वाले कबूतर कह सकते हैं। अब खोलूँगा फ्रेंड्स ये पट्टे, और इन पट्टों में आज 4 किरधान कबूतर मतलब उड़ते हुए बड़े कबूतर पड़े हुए हैं, देखते हैं क्या रहता है। और उससे पहले खोलने से पहले मैं पानी खौलाने रखे हूँ जो इनको आज मुझे देना है। फ्रेंड्स पानी ले आया हूँ खुला के, ये पानी है जो मैं कबूतरों को देने वाला हूँ। इसमें बस फ्रेंड्स आंबा हल्दी और घिसूँगा, और उसके बाद ये पानी उड़ने वाले कबूतरों को फ्रेंड्स रखूँगा। और अभी मैंने पट्टे खोले नहीं हैं, इनको पहले पानी दे दूँ उसके बाद फ्रेंड्स पट्टे खोलता हूँ। फ्रेंड्स ये पानी मैंने रख दिया है बना के नर और मादिन दोनों में। फ्रेंड्स जब तक ये पानी पी रहे हैं मैं खोलने जा रहा हूँ अपने पट्टे, और आप लोगों को शौक कराता हूँ पट्टों का। पट्टे भी खोल दिए और मैं फ्रेंड्स पट्टों का भी बैठा रहने दूंगा। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बीट साफ करूंगा, ये सब गंदगी आप देख सकते हैं। कुरीज भी पट्टे अच्छी कर रहे हैं, दोनों जाल आप लोगों को दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं इनको बढ़िया और तावे देता हूँ। फ्रेंड्स मैं बीट साफ करने जा रहा था, कर भी नहीं पाया था, और ये पट्टे अपने आप तावे खाने लगे, और दो पट्टे अभी तक बैठे नहीं है, एक ये बैठा। फ्रेंड्स आओ आओ आओ, गुलाबी पट्टा और एक पट्टा फ्रेंड्स ये लाल बन बैठा। फ्रेंड्स ये अपने आप ही तावे खाने लगे, आओ। ये आया फ्रेंड्स गुलाबी पट्टा, और सारे पट्टे बैठ गए हैं। फ्रेंड्स अपने आप ही जैसे दाना नहीं डाला तो अपने आप चटक के भागने लगे फ्रेंड्स, और ये देखता हूँ ये फिर से वो हरकत करते हैं या नहीं करते हैं। फ्रेंड्स थोड़ी बहुत चमक अच्छी है, थोड़ी धीरे धीरे उठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हवा भी फ्रेंड्स तेज है, कोई नहीं, जितना बचा के रखूँ उतना अच्छा है। फ्रेंड्स अपने आप तावे खाने लगेंगे। एक चीज़ और हो गई, 4-5 कबूतर इसमें बढ़ाने से 4 कबूतर बेसिकली जो बढ़ाए हैं वो तावे खाते हुए कबूतर हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी इन्हें राहत रहेगी। फ्रेंड्स इन्हें अलग ही रखूँगा, मैं गड नहीं करूँगा, ये फाइनल डिसीजन ले लिया है मैंने। कल तक थोड़ी सी शंका थी क्या करूँ, लेकिन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इनके साथ बड़े कबूतरों को लिया तो मुझे बड़े कबूतर भी रोकने पड़ेंगे, और जब कबूतर चालू हो रखा है फ्रेंड्स तो उसे रोकना समझदारी नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स इनके साथ नहीं लूँगा, इनको अलग ही रखूँगा, और इनको तावे में ही रखना है, और हर तरीके की फीड इन्हें खिलाऊँगा, जैसे कि मिक्स फीड भी हो गई। आज थोड़ी सी मिक्स फीड लाया हूँ जो कि बची हुई रखी थी जोड़ वालों की, क्योंकि जोड़े हटा दिए थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी इन्हें डाल देता हूँ ख़राब ना हो जाए। फ्रेंड्स ये मिक्स फीड है, और ये बहुत अच्छी तरीके से इसको खाएंगे भी, क्योंकि इनके बचपन में ये सब खाई हुई है। जब ये छोटे थे तो यही फीड इन्हें मैं डालता था कबूतरों में, जोड़े वालों में। आप देख सकते हैं ऐसे खा रहे हैं जैसे चिकनाव पड़ गया हो इन्हें, पर खोल खोल के। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर मुझे को कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा शौक, और सच कहूँगा चीना भाई ने बहुत मदद कर दी। ये कहते हैं ना कि समय बन जाता है फ्रेंड्स, अपने आप ऐसा समय बना मुझे बाहर जाना पड़ा, और अगर मैं बाहर नहीं जाता मैं चीना भाई को भी नहीं बुलाता, और फ्रेंड्स मैं इनको अभी ताबे भी नहीं दे रहा होता। मैं सच बताऊँ मैं इनका वेट कर रहा था 1 सितंबर तक का, कि 1 महीने तक से भी इन्हें भड़ियों पर रखूँगा, लेकिन चीना भाई आ गए, ऊपर वाले ने ऐसी कहानी रची कि चीना भाई आ गए, और फिर मैंने तो खाली 3 दिनों के लिए ही बुलाया था, तो चीना भाई अपने आप ही फिर कबूतर ये सारे सही कर गए। उनको भी खैर शौक तो है कबूतरबाजी का, लेकिन आप जानते हैं सभी लोग कि उनको तजुर्बा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा तजुर्बा है उन्हें कबूतरबाजी में, और बहुत सालों से कबूतरबाजी कर रहे हैं, और उसका नतीजा आप मेरे सामने भी देख सकते हैं। सामने जितने भी कबूतर हैं ये सब उन्हीं ने ठीक करे हैं, क्योंकि ये आप रेगुलर वीडियोस देख ही रहते हैं, सिर्फ बड़ियों पे थे ये तावे नहीं खा रहे थे, और अब ये तावे भी खा रहे हैं। आपको दिखा देता हूँ,
ताबे खाने लगे हैं। ये देखिए उमंग इनका पट्ठों के अंदर बहुत अच्छी हो गई है। आ आ आ आ आ आ आ आ आ फ्रेंड्स, ये ऊपर जो बैठा मैं चेहरा इसकी दसवीं कर तक आ रही है, तो थोड़ा सा दुख रहा होगा। आ आ बेटी आ। फ्रेंड्स, ये तीन पट्ठे गुलाबी के अंदर आज ज़्यादा चमक है और दुआ से तो मुझे कोई डर ही नहीं है, जितने दुआ जाए उसका मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहती है। बाकी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।